खाने का वेट करते करते इतना थक गए थे कि मम्मी पापा को वहीं छोड़ के आए, हम आए यहाँ। लोगों को देखो, रुक जा, खाने का हम लोग टेबल छोड़ के आए थे कि अभी आ रहा है, टाइम लगेगा। खाने का नाम आते कनिष्क को देखो जरा, स्पीड पता ही नहीं है। बहन के साथ आया हूँ कि साथ में कोई लड़की भी आई थी मेरे, कोई मतलब ही नहीं है। कनिष्क भाई इग्नोर। एक बार मेरी हालत देखो, कहने से कैमरा पकड़ियो एक बार। मैं पहन के कैसे सच के आई थी, हालत देखो। ये मेरा सामान घर का मुझे पकड़ाया। अच्छी जगह है कुल मिला के। आप अगर आसपास कहीं रहते हो तो आप आ सकते हो फैमिली टाइम में थोड़ा चिल करने। अब हम जा रहे हैं कनिष, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे, वहाँ से नीचे करके बता दे। हम शायद घर ही जाएंगे। हम घर नहीं जा रहे, अब हम जा रहे हैं गर्भजी वाटरफॉल देखने। यार घर नाम अलग अलग लग रहे हैं, कभी पहले सुने नहीं। जहाँ हम गए थे देसी घाट, वहाँ से आगे 5 किलोमीटर 5 km आगे गर्भजी है वाटरफॉल जहाँ हम जा रहे हैं। गांव में तो हम कहीं आ गए हैं, गर्भजी कहीं वाटरफॉल तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा। मम्मा चल, पिछले कितनी देर से हम चले ही जा रहे हैं। अपनी सिटी की ही जगह है, हमें नहीं पता। में भी जा रहे हैं। इतना गांव-गांव सा क्यों है? बाबा हमको किसी से पूछ नहीं लेना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता सही भी है कि नहीं। कनेक्ट मेरे साथ रह ले। मुझे लग रहा डर, कैमरा मैन ही जबरदस्ती में पकड़ा था। इधर ऊपर जाना पड़ेगा वाटरफॉल के लिए, तो यार मेरे को तो डर लग रहा है। बारिश आने लगी, वापस चलते हैं। बारिश की वजह से ऊपर वाटरफॉल तक जाना बहुत मुश्किल है। मेरे को लग रहा है डर। उधर देखो लोग गए हैं यार, ऊपर तक ट्रैक किया है लोगों। ओ शिट, बारिश तेज हो गई। तेज नहीं, बंदर ही ला रहे हैं। लोग आए तो थे कि हम ऊपर वाटरफॉल देखने भी जाएंगे और मंदिर भी, बट बारिश के चलते वापस जा रहे हैं। कंप्लीट नहीं हुआ मिशन हमारा। यार तो मैं पागल, बारिश आ रही है, बंदर भी है यहाँ पर, गिर गए, हड्डी वड्डी टूट गई, फिर क्या करेंगे। आए तो हम बहुत शौक से थे, बट बारिश ने सारा कार्यक्रम खराब कर दिया। ऊपर से वहाँ बहुत स्लिपरी था, जाना बहुत मुश्किल था। यार मेरा मूड खराब हो गया है, तो घूमते थोड़ा और। कोई बात नहीं, कौन खाएंगे और मम्मी और चाय पियेंगे। ये है सिलिसेट लेक, बारिश आ रही है। मैंने
सोचा था हम जब वहाँ रुके थे रिजॉर्ट में, जब खा पी रहे थे, तब की कैमरा ऑन करके कुछ बात बात करेंगे, रिकॉर्ड करूँगी। बट अब मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मैं तो खैर अभी क्या ही है, क्या ही व्लॉगिंग, मतलब वीडियो डालती हूँ, अब तो इनिशियल डेज है। बट यार जो व्लॉगिंग करते हैं उनको सैल्यूट है, सैल्यूट। मतलब आप जैसे ही कैमरा अपना फ़ोन ही, अब तो जैसे मैं फ़ोन से ही कर रही हूँ, तो जैसे ही फ़ोन ऊपर करो और बोलने लगो कैमरा को देख के, ऐसे लोग ऐसे देखते हैं जैसे मेरे कुछ हो गया एकदम से, कि ये फ़ोन को देख के क्या कर रही है, हर जगह फ़ोन ले लेके कहाँ जा रही है। बहुत शर्म आ रही थी भाई, इतना एम्बैरेसिंग लगता है ना, पूछो मत। ये होती किस्मत खराब। कनिष्क को तो बूटा मिल गया, सही है उसका वाला तो कौन, मेरा सारा जला हुआ है भाई, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। अरे काला काला पापा जला हुआ है यार ये। अंधेरा हो गया, अब हम जा रहे हैं डिनर करने किसी रेस्टोरेंट में। किसी और रेस्टोरेंट में रहे थे और खा के किसी और से जा रहे हैं, उधर सर्विसेज बंद थी। फॉर द वीडियो गाइज, घर पहुंच चुके हैं हम। आज का डे काफी अच्छा था मेरे लिए, बहुत टाइम बाद ऐसे फैमिली के साथ कहीं बाहर गए, थोड़ा इंजॉय किया। आई होप आप लोग को व्लॉग भी पसंद आए, और बाकी ग्रीनरी तो बहुत अच्छी थी वहां पे। तो अंटिल देन बाय, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अप अ थम्स अप और कॉमेंट कर देना नीचे, और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। 1000 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर तो करवा सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना, करो भाई। और आगे थोड़ा शेयर कर दिया करो सब्सक्राइब करने को, प्लीज सब्सक्राइब करो। अंटिल देन बाय बाय। अच्छा हाँ, इयरिंग है, मुझे लगा मैं इयरिंग छोड़ आई रास्ते में मम्मी ने। गाने से भी तेरा वो लग जाएगा कॉपीराइट। ये मम्मी आपको पता है कॉपीराइट का सिस्टम, क्योंकि मैंने उस दिन देखा था ना वो संभालना वाला, उसका हस्बैंड गाना गा रहा था, कहती बोलो कॉपीराइट लग जाएगा। तूने कभी डाला